370 की दीवार गिरने के बाद जम्मू कश्मीर दुनिया के नक्शे पर चमकने को तैयार है। पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश अब कामयाब नहीं होगी। 3 दशक तक हिंसा की आग में जलने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को रफ्तार देने की कोशिशें अब तेज हो रही हैं। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर की तमाम खूबियों को दुनिया से दूर रखा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। साथियों, जम्मू कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद, सेब का मीठापन हो या खुबानी का रसीलापन, कश्मीरी शाल हो या फिर कलाकृतियां, लद्दाख के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो या हर्बल मेडिसिन, इसका प्रसार दुनिया भर में किए जाने की जरूरत है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास का रोड मैप तैयार कर लिया है। इसका पहला मुजाहिरा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तौर पर होगा। आर्टिकल 370 हटने के बाद नए कश्मीर की पहचान दुनिया भर के निवेशकों से करवाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा। जम्मू कश्मीर के विकास को रफ्तार देने में इस समिट का बड़ा योगदान होगा। जम्मू कश्मीर के पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इस साल 12 से 14 अक्टूबर के बीच होगा। लद्दाख सभी जगह बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं। टूरिज्म में स्ट्रेंथ है, फूड प्रोसेसिंग में स्ट्रेंथ है, हॉर्टिकल्चर में स्ट्रेंथ है और भी तमाम स्ट्रेंथ्स हैं, और इन सभी जगह इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम जो है प्लान कर रहे हैं कि अक्टूबर के 12 से 14 के बीच में एक ग्रैंड, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मेगा इन्वेस्टमेंट समिट करेंगे, जिसमें हम इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करेंगे और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे, यहाँ पर निवेश करेंगे और ग्रोथ में जो है सहायक बनेंगे। ओपनिंग सेशन 12 अक्टूबर को श्रीनगर में होगा, जबकि क्लोजिंग 14 अक्टूबर को जम्मू में होगी। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राज्य के अन्य इलाकों को भी शामिल करने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, व्यापार और उद्योग जगत के 2000 से ज्यादा दिग्गजों को समिट का न्योता भेजा जाएगा। समिट को सफल बनाने के लिए देश भर में भी कई कार्यक्रम किए जाएंगे। अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई में रोड शो का आयोजन होगा और दिल्ली में एक मेगा रोड शो का आयोजन भी होगा। दिल्ली में एक एम्बेसडर मीट और मेगा मीडिया इवेंट का भी आयोजन किया जाएगा। व्यापार और इंडस्ट्री से जुड़े जितनी भी नामी हस्तियां हैं, उनके एक अच्छे पार्टिसिपेशन की हमें उम्मीद है। हमें काफी कम वक्त मिला है, जनरली 6 से 8 महीना लोग तैयारियां करते हैं। हमें काफी कम वक्त मिला है इसकी तैयारी करने के लिए, लेकिन हमारी पूरी मशीनरी दिन रात काम करेगी कि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट हो। जम्मू कश्मीर के इस मेगा इवेंट में CII समेत कई संस्थाओं को पार्टनर बनाया गया है। समिट में मुख्य तौर पर कृषि, हेल्थ केयर, स्किल मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म जैसे सेक्टर पर फोकस किया जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं में बहुत टैलेंट है, जिसे स्टार्टअप के रूप में बढ़ावा देकर उन्हें तरक्की के रास्ते पर ले जाया जाएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के बाद अगर मैं किसी को बहुत अहमियत देता हूँ, वो है स्टार्टअप्स। कारण जम्मू कश्मीर में यूथ काफ़ी हैं, बहुत इंटेलिजेंट यूथ हैं, उनकी इंटेलिजेंस को हार्नेस करना है। इसीलिए अभी तक हम जम्मू कश्मीर नहीं कर रहे थे, लास्ट मोमेंट पे आज ही डिसाइड किया है कि हम एक इवेंट प्रोग्राम जम्मू में करेंगे और एक हम श्रीनगर में करेंगे, ताकि वहाँ की जो वैली के यूथ हैं, जो जम्मू के यूथ हैं, उनकी भी आइडियाज़ कैप्चर हो। उनकी आइडिया अगर अच्छी निकल गई, क्या पता वही फाइनलिस्ट हो जाए। सरकार की योजना जम्मू कश्मीर में नए IIT, IIM और एम्स खोलने की है। इससे न केवल राज्य के युवाओं को शिक्षा के बेहतर मौके मिलेंगे, बल्कि राज्य को बेहतर वर्कफोर्स मिलने का जरिया भी बनेगा।